किश्तवाड़ में कच्चा मकान गिरने से 3 भाइयों की मौत। गुलमर्ग में पुलिस ने पर्यटकों को बचाया। किश्तवाड़ जिले के नागसैनी तहसील के दूरदराज के गांव पुलर में एक कच्चा मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों सगे भाई हैं और जन्म से ही नेत्रहीन हैं। दूसरे कमरे में सो रही पत्नी व 2 बेटियां सुरक्षित हैं। उनके पिता अश्वनी कुमार जम्मू में मजदूरी करते हैं। वह शुक्रवार को ही जम्मू से किश्तवाड़ के लिए रवाना हुए थे। घटना देर रात लगभग 11 बजे की है। बता दें कि दिन भर बारिश के कारण रात में कच्चा मकान गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों के नाम साजन कुमार, पप्पू व राजेश कुमार बताए गए हैं। इससे पहले वीरवार और किश्तवाड़ में ही एक पेड़ गिर जाने से गुज्जर वकरवाल परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। गुलमर्ग के कोंगडूरी में फंसे पर्यटक परिवार को पुलिस ने बचाया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के पुलिस ने एटीवी और घोड़े वालों के सहयोग से गुलमर्ग के कोंगडूरी में फंसे पर्यटक परिवार को पुलिस ने बचाया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में पुलिस ने एटीवी और घोड़े वालों के सहयोग से एक पर्यटक परिवार को सफलतापूर्वक बचाया गया। पर्यटक रास्ता भटक कर गुलमर्ग के कोंगडूरी इलाके में फंस गया था। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार तेलंगाना का एक परिवार कोंगडूरी गुलमर्ग गंडोला की सवारी के लिए गया था। गंडोला फेज 2 से लौटते समय परिवार रास्ता भटक गया और कांगडूरी इलाके में फंस गया। इसमें 3 वयस्क और 4 बच्चे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। SHO गुलमर्ग के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन गुलमर्ग की बचाव टीम एटीवी और घोड़े वालों की सहायता से उस स्थान पर पहुंची जहां परिवार फंस गया था। बारामूला पुलिस ने कहा कि इसमें स्थानीय लोगों का भी योगदान रहा। उनके संयुक्त प्रयासों और अटूट समर्थन ने पर्यटक परिवार की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।